नमस्कार पुस्तकचू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो सीटेट के एग्ज़ाम हैं बहुत ही पास में हैं, और अगर यह एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें, हम तीन चार बातों पे पहलू पे बात करेंगे, और अगली बात अंत समय में आपको क्या करने हैं इस पर भी बात करेंगे। देखिए, आप एडमिट कार्ड की अगर बात कर रहे हैं तो एडमिट कार्ड यह समझ लीजिए इनका एक हफ्ते पहले पहले, एक हफ्ते यानी कि 7 से 6 दिन पहले पहले आपका एडमिट कार्ड निश्चित रूप से आएगा। अगर 7 से 6 दिन के पहले एडमिट कार्ड आता है तो जाहिर सी बात है कि आपके एग्ज़ाम इस 20 को नहीं होंगे, जो आने वाला 20 है, ना ही 25 को होंगे। यानी कि 25 से लेकर 20 तक अगर देखें तो बहुत बहुत ही कम समय बचा है। यानी कि जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे तो जाहिर सी बात है 25 के बाद ही शेड्यूल होगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी का कहना यह भी है कि क्या सर, अब तो बहुत ही पास आ गया है समय, दिसंबर से वो बोल रहा है कि भाई ऑफिशियली डेट जो उसमें मेंशन है दिसंबर से स्टार्ट करा लिया जाएगा, या हेडक्वार्टर से, मतलब कि सीटेट के हेडक्वार्टर से सीधा सा न्यूज है, मतलब उसके ऑफिशियल में भी यही चीज़ लिखा हुआ है, तो क्या सर यह जनवरी मतलब दिसंबर से स्टार्ट कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है उन्होंने कहा है तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि 6 से 7 दिन पहले अगर एडमिट कार्ड आता है तो आप इतना अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि 6 से 7 दिन, अगर मैं 20 तारीख से भी 6 से 7 दिन जोड़ता हूँ तो 27, यानी कि 26 से 27 के बाद ही आपके एग्जाम शेड्यूल होंगे, यह तो तय है, निश्चित रूप से यह तय है 26 27। और जब इनका क्या नाम है कि हम दिसंबर से स्टार्ट करेंगे तो यह 2 पाली कह रहे हैं, 2 दिन मतलब 2 पाली में कराने का पूरा प्रयास करूंगा, 2 पाली यानी कि 2 दिन ये एग्जाम कराएंगे दिसंबर में, 2 दिन दिसंबर में, और बाकी 25 जनवरी तक या आप एग्जाम कराने का इनका पूरा का पूरा प्रोसेस है 25 जनवरी के पहले पहले। यानी कि जाहिर सी बात है जब भी इनका एग्जाम शेड्यूल होगा वो आप समझ सकते हैं 26 से और 27 के बाद ही ये एग्जाम, या फिर 27 से या फिर उसके बाद ही शेड्यूल करेंगे निश्चित रूप से। और इस बीच उन डीएलएड के सभी प्रशिक्षुओं का एग्जाम हो चुका रहेगा, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं, आपको 6 से 7 दिन का मौका मिलेगा। यह रह गई एडमिट कार्ड का और इसका। अब बात कर लेते हैं कि आपको अंत समय क्या करने हैं, किस प्रकार से आप 120 प्लस जा सकते हैं। देखिए, जो हमारा सबसे बड़ा पोर्शन होता है पैडागॉजी होता है ना, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके सीटेट के एग्जाम में। यहाँ से एनसीईआरटी, इसके लिए कोई बुक प्रीफर नहीं किया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी बेस, और एनसीईआरटी पैटर्न अब पूरा आपके पास इतना समय भी नहीं है कि बहुत ही डिटेल में आप जाओ। आपको सिर्फ एक काम और करने हैं, जो सीडीपी है, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि बाल विकास है ना, इस सीडीपी से उस 4-5 जो मनोवैज्ञानिक हैं जो बहुत बार बार पूछे जाते हैं, जैसे पियाजे, जिन पियाजे साहब हो गए, इसके बाद वाइगोत्स्की हो गए, नोमेस्की, इसके बाद आपके स्किनर, इन 4-5 वैज्ञानिकों को बहुत अच्छे से रट के जाना, इनके जितने चरण हैं वह रट लेना। ईवीएस में आपको पता है कि उसके 6 पूरे के पूरे विषय हैं, उसको रट लेना है आपको, मतलब कि पूरे के पूरे जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उसको एक बार अच्छे से नज़र दौड़ा लेना है। इसके बाद आपको पैडागॉजी में सिर्फ और सिर्फ, पिछली बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, इस बार भी ऐसे ही कुछ देखने को मिले हैं, मतलब पैडागॉजी वाले में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने हैं। जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2011 से, मतलब जब से पेपर हो रहा है 2011 से, तब से लेकर अब तक का एक आपने पेपर खरीद कर रखा होगा पूरा का पूरा, तो 10 सेट को फटाफट आप चाहो तो 2 दिन में सॉल्व कर सकते हो। इसको एक नज़र में पूरा देखना है, हमें एक नज़र में देखते हुए आगे बढ़ने हैं, अपने मतलब कि उस चीज़ को हमें डेवलप करने हैं, मतलब कि सोचने की क्षमता को। अगर आप 10 पेपर 1 दिन 2 दिन 3 दिन में लगा के ख़त्म कर देते हो, आपको उतना समय पर्याप्त रूप से मिलेगा, तो भी मैक्सिमम आप 110 प्लस जा सकते हो, निश्चित रूप से जाओगे, और पास होना तो बिल्कुल भी चुटकी का खेल होगा आप सभी के लिए। तो यह चीज़ें हमें करने हैं। और दूसरी तरफ एक चीज़ और ध्यान देने हैं, जो आपका मैथ वाला पोर्शन है ना, मैथ पैडागॉजी में 2-3 चीज़ हमको याद रखने हैं, है ना, जो उसमें एक करके आता है ना, जो आगम विधि और निगमन विधि, तो इन सब पे 4-4, 5-5, 3-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला हो गया, सापेक्ष वाला और निरपेक्ष वाला हो गया, यह सब यह ध्यान देने हैं। और पैडागॉजी के लिए एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, जो आपके पहली बात तो यह ईवीएस में जो थीम है, थीम और सब थीम है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से निश्चित रूप से आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। और जो आपका पैडागॉजी है, पैडागॉजी में जो आपका टैग वर्ड है, पैडागॉजी का जो टैग वर्ड है वह आप बहुत अच्छे से कर लेंगे पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ से पूछा जाता है अधिगम क्या होता है, यह सब जो मोटे मोटे टॉपिक है ना, यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं, और यही टॉपिक जो सीडीपी का होता है ये आपको मैक्सिमम हिंदी में देखने को मिलेगा। जैसे कि यह जो आपके वैज्ञानिक हैं, जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं,
इनकी थ्योरी आपको हिंदी में भी मिलेगा, संस्कृत में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा और आपके सीडीपी में तो है ही। खैर मैथ में 15 नंबर का पोर्शन बहुत आसान होता है, आप उसको आराम से जोड़ घटाना गुणा भाग वाला करेंगे, निश्चित रूप से आप बहुत जल्द मतलब बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है अगर इस पूरे को फॉलो करते हैं सिर्फ कंसंट्रेशन बनाकर। क्योंकि पिछली बार भी जो 42 सेट पूरा का पूरा पेपर हुआ था, सीबीटी बेस्ड एग्जाम हुआ था पूरा, उसमें भी हमको यही देखने को मिला था कि जो भी क्वेश्चन थे वह सोचने पर क्षमता पर आधारित थे आपके, आप कितना ज़्यादा सोच सकते हो। तो एग्जामिनर यानी कि सीटेट खुद यह सोचवाना चाहता है आपसे कि भाई जो टीचर बनने वाले हैं वो कितना ज़्यादा बच्चों को लेकर उदारता दिखाते हैं, है ना, ये चीज़ें मतलब बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न थे, हमने देखा उस प्रश्न को 42 के 42 सेट को, तो वो पूरे के पूरे इस प्रकार से ऐसे प्रश्न थे, है ना। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर भी कराए हुए हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, बच्चे को सर्वोपरि मान के भी चलना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और कुछ निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड है उसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करके रखना है, अगर इन बातों को ध्यान रखते हैं तो मात्र 7 से 8 दिन में भी आप सीटेट को फोड़ सकते हैं। यह रहा थोड़ा सा स्ट्रेटजी। और आपको सोचना है कि पॉजिटिव है तो क्वेश्चन तो पॉजिटिव लेके चलेंगे, निगेटिव पूछा है तो निगेटिव लेके चलेंगे। इस चीज़ को अगर इतना आपके पास क्षमता है सोचने की तो भाई जाहिर सी बात है आपने ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद आप DLED BEd किए, फिर सीटेट देने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी सोचने की क्षमता का कोई मतलब सीमा नहीं होगा, आप लोग बहुत अच्छे चीज़ें को मतलब एक तरह से सोच पा रहे होंगे। और ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रख लेने हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें बस इतना था। और जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो 6 से 7 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।